हाई गाइज, माय नेम इज सनी चवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मेरी फर्स्ट वीडियो में इतना सारा प्यार दिया। आज के इस वीडियो का टॉपिक है हाउ टू शूट अ बी रोल और अ सिनेमैटिक वीडियो थ्रू योर स्मार्टफोन। एंड फॉर द डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस वी आर यूजिंग क्रांति एज अ मॉडल। लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो गाइज, बिफोर स्टार्ट शूटिंग आपको दो से तीन चीज़ों का ध्यान रखना है। पहली चीज, मेक श्योर आपके फोन की ग्रिड लाइन ऑन हो, जिससे कि आप जो कुछ भी फ्रेमिंग लोगे उस पर आपका ध्यान रहे। सेकेंड थिंग, आपको हायर फ्रेम रेट पे शूट करना है, यानी कि जितने ज़्यादा FPS पे आप शूट करोगे उतना ही पोस्ट प्रोडक्शन में आपकी वीडियो स्लो और स्मूथ लगेगी। थर्ड चीज़, बी क्रिएटिव, लाइक आप सर्च करना आपके आजू बाजू में क्या क्या एलिमेंट्स है, जैसे कि ट्रीज हो गए, स्टोन्स हो गए या लीव्स वगैरह हो गया, उन सारे एलिमेंट्स को एज अ फोरग्राउंड यूज़ करना, जिससे कि वीडियो और थोड़ी सी क्रिएटिव लगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द एस्टेब्लिशिंग शॉट। एस्टेब्लिशिंग शॉट मीन्स आप व्यूवर्स को एक आइडिया दोगे कि आप किस लोकेशन पे हो और वहां पे क्या क्या सीन है, जिससे कि वीडियो की परफेक्ट स्टार्टिंग हो। सेकेंड शॉट विल बी रिविलिंग शॉट। रिविलिंग शॉट में आप सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस कर सकते हो या फिर लोकेशन को। बेस्ट वे टू स्टार्ट, आप लेग्स को थोड़े से बेंड करके वॉक करना, जिससे कि वीडियो ज़्यादा शेकी ना आए। रिविलिंग शॉट में आप ग्राउंड से स्टार्ट करके सब्जेक्ट पर फोकस कर सकते हो या फिर आप स्काई से स्टार्ट करके नीचे सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस कर सकते हो। थर्ड आता है क्लोजअप शॉट्स। क्लोजअप शॉट्स में आप ट्राई करना छोटी छोटी चीज़ों को कैप्चर करना, जैसे कि मॉडल्स की आईज, हेयर्स, हैंड मोमेंट्स और वॉकिंग शॉट्स। मेक श्योर आप हर एक शॉट्स में थोड़ा सा मोमेंट रखें, जिससे कि वीडियो स्टिल ना लगे। नेक्स्ट शॉट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज साइड ट्रैकिंग शॉट। आप इसे फॉलो शॉट भी बोल सकते हो। इस शॉट में आप मॉडल को ट्रैक करोगे लेफ्ट या राइट साइड से। इसमें आप टाइट शॉट ले सकते हो या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट को एज अ फोरग्राउंड यूज करके एक वाइड शॉट भी ले सकते हो। नेक्स्ट हम बात करेंगे पुल आउट शॉट के बारे में। पुल आउट शॉट में हम सीन को दिखा के सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं या फिर सब्जेक्ट से दूर जाके पूरा सराउंडिंग दिखा सकते हैं। इसे आप अपने तरीके से भी यूज़ कर सकते हो, जैसे कि आप इसे वीडियो को स्टार्ट करने में यूज़ कर सकते हो या फिर वीडियो को एंड करने में। लास्ट शॉट में हम बात करेंगे रैप अराउंड शॉट के बारे में। इस शॉट में आपको मॉडल के सर्कल में घूमना है, जिससे कि एक पैरलेक्स इफेक्ट तैयार हो। आप इसे फुल सर्कल या फिर हाफ सर्कल में भी परफॉर्म कर सकते हो। मेक श्योर आपकी फ्रेमिंग परफेक्ट हो, जिससे कि व्यूवर्स का ध्यान मॉडल पर रहे। एंड वन मोर थिंग आई वॉन्ट टू टॉक टू यू गाइज अबाउट इज म्यूजिक। चूजिंग द राइट म्यूजिक कैन चेंज द गेम। एक अच्छी म्यूजिक से खराब वीडियोस भी अच्छे लगते हैं और एक खराब म्यूजिक से अच्छी वीडियोस भी बहुत बोरिंग लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इसी वीडियोस के अंदर अपलिफ्टिंग बीट्स डालूंगा तो वीडियो कैसी लगती है देख लो। Not that good, right? So after choosing right music and basic editing, let's enjoy the final video. आई होप आप लोग को इस वीडियो से कुछ सीखने मिला होगा एंड आई वुड लव टू सी योर वर्क। आप भी इन सारे टेक्निक्स को यूज़ करके आपकी एक सिनेमैटिक वीडियो बना सकते हो और मुझे टैग कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे, जो कि यहाँ पे है, और मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे के रखा है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियोज गाइज। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।